इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो प्रेस बैरियर लगाए जाने से हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मिनिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं, साथ में जहां जहां से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ कर, अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित हैं, उस पर पूरी कार्रवाई कर लें और जो व्यवस्थाएं कमी हैं उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों, और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को आत्मीयजनों को खोया है निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना, बहुत प्रदेश में दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि क्योंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो जिनकी इसमें जान गई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इतना बड़ा कष्ट आया, आघात आया, उनको ये कष्ट सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें। सर एक यात्रा भी है, वो स्थापना दिवस मनाया जाएगा? हाँ, सभी कार्यक्रम, क्योंकि इतना बड़ा शोक है तो सभी कार्यक्रम हमारे जो है सादगीपूर्ण तरीके से। सर एक यात्रा इस साल बहुत अच्छी रही, किस तरह से? देखिए इस बार जिस प्रकार से आपदा की स्थिति भी रही, लगभग 1 से 1.5 महीने पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है केवल केदारनाथ जी की। बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं और चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे, जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियां हुई आगे भविष्य में वो परेशानियां भी न हों, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये चारधाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफ लाइन है और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे।